अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, उस रेसिपी का नाम है नवरत्न कोरमा, जो कि हम पार्टियों में खाया करते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट और वैसा ही लुक आज मैं आपके साथ दिखाऊंगी कि कैसे बनता है ये नवरत्न कोरमा। यहाँ पर मैंने एक प्याज और कुछ लहसुन और थोड़ा सा अदरक का हम पेस्ट बना के बिल्कुल रेडी कर लेंगे। यहाँ पर प्याज जो है वो उसकी मात्रा एक ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्याज मत दीजिएगा, नहीं तो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इस कढ़ाई में तेल लेंगे, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन रिफाइंड तेल या फिर सरसों का तेल जो है वो बेस्ट रहता है। तो हम यहाँ पर तेल अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जो है तेल यहाँ पर लगता है। एक दालचीनी, दो इलायची और कुछ लौंग और दो सूखी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करके, जो हमने पहले से मसाले रखे थे पेस्ट बना के जो हमने मसाले रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हमें इस प्याज को अच्छे तरीके से भूनना होगा, क्योंकि खाने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कि ये जो मसाले हैं वो भून के अच्छे तरीके से रेडी ना हो। तो हम इसे 2 से 3 या फिर 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे भूनते रहेंगे। जब आपको लगे कि मसाले जो है वो भून चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा और कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा एकदम हल्दी देना है, बहुत ही कम हल्दी देना है, 1 चुटकी या 2 चुटकी आप इसमें हल्दी ऐड कीजिए। और नमक जो है वो बिल्कुल स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड करके और इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे 1 मिनट के लिए, और थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को। ये जैसे ही थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम भून ले मसाले को, अब हम इसमें आलू कट किए हुए दे सकते हैं। ये अब सर्दी का सीज़न है, बहुत सारे वैरायटी के वेजिटेबल्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी वेजिटेबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जो कि नवरत्न कोरमा में जाता हो। तो अगर आप आलू को स्किप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप आलू को स्किप, तो लेकिन यहाँ पर मैंने जो गोभी, गाजर, ये जो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ये मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है गर्म पानी में, थोड़ा सा उबाल लेना, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, क्योंकि अब जब हम इस रेसिपी को बनाएंगे गोभी अगर पूरा गल जाए तो इस रेसिपी का कोई स्वाद ही नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये जो रेसिपी है इसमें आप गोभी को सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए गोभी और गाजर को, और फिर इसमें ऐड कर दीजिए। करके हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले के साथ मिक्स करते हुए, और फ्लेम जो है वो हमें मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल ना कीजिएगा। अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे, करीबन यहाँ पर 4 से 5 टीस्पून काजू का पेस्ट है। काजू का पेस्ट हमने ऐड करके और थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ा सा भूनेंगे मसाले और जो वेजिटेबल्स है इसे अच्छे तरीके से आपको भूनते रहना है, जिससे कि इसके अंदर स्वाद जो है वो भरपूर आए। अब हम जब आपको लगे ये थोड़ा सा भून चुका है, अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध हम करीबन हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कप हमने दूध ऐड किया हुआ है, दूध को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ग्रेवी तो चाहिए होगा हमको, तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, क्योंकि नवरत्न कोरमा या नान, पूड़ी, पराठे ये सब के साथ ही खाया जाता है, इसलिए हम इसमें पानी जो है उसकी मात्रा थोड़ा सा कम रखेंगे अभी। लेकिन अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, और जब पानी हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी ही इसमें ऐड करना है, ठंडा पानी बिल्कुल ना ऐड कीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए, थोड़ा सा मिक्स करते हुए उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। चीनी की जो मात्रा है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि नवरत्न कोरमा जो है वो थोड़ा सा मीठा मीठा होता है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा शुगर जो है वो थोड़ा ज़्यादा देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है वो शुगर यहाँ पर ऐड किया है। करके अब हम इसको ढक देंगे, करीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकने देंगे कि ये अच्छे तरीके से भाई पक जाए। पकने के बाद देखिए थोड़ा बहुत ये पक चुका है, एकदम लो फ्लेम में देके हम पकाना है इसको। उसके बाद हम इसमें बटर यूज़ करेंगे, आप बटर दे सकते हो, या फिर अगर आपको बटर पसंद नहीं आता है तो आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको मिलाएंगे नहीं, इसको चलाना नहीं है, इसको फिर से हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर से हम इसको ढक देंगे। देखिए बटर जो है वो बिल्कुल गल चुका है, और हमने पानी भी अभी तक ऐड बिल्कुल नहीं किया है, भाप के साथ जो पानी आता है ना वही ये जो ग्रेवी जो है वो बन रहा है, लेकिन हमने पानी अभी तक ऐड नहीं किया है।
अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो बीन्स और कैप्सिकम, ये दोनों ही मैंने ऐड कर लिए। बीन्स को मैंने बॉयल नहीं किया है, कच्चा ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अगर आपको कैप्सिकम थोड़ा सा कच्चा कच्चा पसंद हो ना, तो कैप्सिकम आप और भी थोड़ा बाद में दे सकते हो, लेकिन बीन्स जो है वो अभी दे दीजिएगा, क्योंकि हम और 5 से 10 मिनट के लिए ढकने वाले हैं। तो आप जो है वो बीन्स को अभी दे दीजिएगा, और अगर किसी को कैप्सिकम थोड़ा कच्चा पसंद हो तो वो कैप्सिकम को 5 मिनट बाद फिर ऐड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रेवी और चाहिए, ये नहीं तो बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन गर्म पानी में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठंडा पानी में बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी यहाँ पर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना, तो मुझे ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। उससे ना मुझे एनर्जी अब मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, आपके साथ में अपनी रेसिपीज़ और भी ज़्यादा शेयर करूं। देखिए 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन को निकाल के पनीर जो है वो पहले से मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस अब पनीर को ऐड करने के बाद लगभग ये बन ही चुका है, 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं फिर ढकूंगी थोड़ा सा ढक के, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पनीर जो है वो बिल्कुल लास्ट में दे देना है, नहीं तो पनीर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको 5 मिनट पहले ही इसको हम ऐड कर रहे हैं। अब ये जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए, इसे आप नान पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी होती है। और लास्ट में मैंने ये गरम मसाला जो है वो ऊपर से दिया है। आज की रेसिपी बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।